गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, बराबर है। तो थोड़ा सा एक फटाफट रिवीजन ले लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था कि लिमिटिंग रिएजेंट बेटा वो रिएजेंट होता है जो तुम्हारे कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। जो सबसे पहले खत्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर है। तुम्हारे पास वही डिसाइड करता है कि किसका प्रोडक्ट जो है वो उसका कितना अमाउंट बनेगा, बराबर है। कौन सा रिएक्टेंट बचा रहेगा, कितना बचेगा और उसका कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, वो सब हम किस चीज से डिसाइड करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से, बराबर है। उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन आई थिंक ऑलरेडी हम कर चुके हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, अब आगे और क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए यहां पर मैंने तीन क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास आई टू प्लस सीएल टू, उससे बन रहा है आईसीएल प्लस आईसीएल थ्री। क्या बन रहा है, आईसीएल प्लस आईसीएल थ्री, दोनों का मास दिया हुआ है। तुमको क्या करना है, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर कैलकुलेट किया था वैसे सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। देखो यहां पर मैं कोई पर्टिकुलर चीज कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा, मैं सारी चीजें कैलकुलेट करवाऊंगा और ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर तुमको इनमें से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले तो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, वो क्या है, आई टू प्लस सीएल टू, उससे बन क्या रहा है बेटा, आई सी एल प्लस आई सी एल थ्री, ठीक है। इनिशियल क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, इनका मास दिया हुआ है। इनिशियली क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास दिया हुआ है कितना, इसका 308 ग्राम और क्लोरीन के लिए दिया है 20 सीएल टू का 28.4 ग्राम, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले तो मैंने जो बताया था लास्ट क्लास के अंदर, दो रिएक्टेंट्स हैं, मिनिमम दो रिएक्टेंट्स होने चाहिए और कम से कम उन दो, कोई दो रिएक्टेंट्स का इंफॉर्मेशन गिवन हो तब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाते हैं। यहां पर दो रिएक्टेंट गिवन है, दो रिएक्टेंट्स का इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। आयोडीन इधर में दो, इधर में एक और एक दो, आयोडीन बैलेंस्ड है। कि क्लोरीन की बात करें तो बेटा क्लोरीन इधर में तीन और एक चार, इधर में दो है तो ये लो मैंने टू लगा दिया, तुम्हारे पास क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो आयोडीन का मोलर मास कितना होता है, एक आयोडीन का मोलर मास होता है 127, बराबर है, कितना होता है 127 होता है, ध्यान में रखना इस चीज को। तो I2 कितने हैं, दो, तो तुम्हारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट वो कितना हो जाएगा, 2 × 127 मतलब 254, ठीक है। आयोडीन का आ चुका है, एक आयोडीन का होता है 127, पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पता चल जाएगा। अब क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो 2 × 35.5 कितना हो जाएगा 71, ठीक है। चलिए अब एक सबसे पहले हम लोग काम क्या करते थे, इनिशियली कुछ अगर मास दिया हो, कुछ भी वॉल्यूम कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करना है। यहां पर मास दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल मोल्स पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियल मोल्स कितना, इसका मास है 308 डिवाइडेड बाय आई टू का मोलिकुलर वेट 254, ठीक है। क्लोरीन के लिए उसका मास कितना दिया है 28.4 ग्राम अपॉन सीएल टू का मॉलिक्यूलर मास वो कितना 71, कितना 71। थोड़ा इसको सोल्व करो तो देखो ये कितना आएगा 254 टू जा 308 होता है तो इसके मोल्स कितने आ गए, दो मोल्स आई टू के, दो मोल्स इसके, मोल्स देखें क्लोरीन के 71 फोर जा 7 × 4, हाँ तो ये तुम्हारे पास 4 टाइम्स, तो इसके मोल्स हैं 0.4। तो इनिशियली हमारे पास इन दोनों के कितने मोल्स हमने लिए, ये दोनों के हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। मोल्स कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद हमारा काम क्या है, फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो तुम्हारे पास उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि किसका वैल्यू मिनिमम है। तो तुम्हारे पास यहां पर आयोडीन के मोल्स कितने, 2, और उसका कोफिशियंट कितना है 1, 2 बाय 1। फिर क्लोरीन के लिए
उसके मोल्स कितने 0.4, उसका कॉफिशियंट कितना है 2, मतलब मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक का वैल्यू कितना आ रहा है 0.2। तो किसके लिए ये वैल्यू छोटी है? क्लोरीन के लिए। इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब ये क्या है, LR लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। अब बात करते हैं फाइनल मोल्स का, देखना। तो ये जो हमने किया मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये केवल हमने LR को आइडेंटिफाई करने के लिए किया है, समझे कि नहीं। चलिए अब देखिए फाइनल मोल्स। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके सारे के सारे मोल्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब इसके एक भी मोल नहीं बचेगा, किसका, क्लोरीन का। फिर आयोडीन के कितने मोल्स, तो देखो दो मोल क्लोरीन के साथ एक मोल आयोडीन रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन को हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि इसके दो मोल के साथ इसका एक मोल रिएक्ट करता है, तो इसके एक मोल के साथ आयोडीन के कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 1/2, हाँ है ना। और क्लोरीन के मोल्स कितने हैं, क्लोरीन के मोल्स हैं 0.4, इसका मतलब आयोडीन के कितने मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, इतने मोल्स रिएक्ट कर गए। थे कितने इनिशियली, दो मोल्स, दो मोल में से इतने मोल रिएक्ट कर गए तो बचे कितने, 2 में से जो रिएक्ट कर गए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये 2 क्या है, इनिशियल मोल्स, ये क्या है, ये मोल्स जो रिएक्ट कर गए। और इसको थोड़ा सोल्व करो, देखो तुम्हारे पास ये बचेगा 2 - 0.2, मतलब 1.8, तो ये क्या है फाइनल मोल्स, समझ में आता है। ये 0.2 क्या है, मोल्स ऑफ I2 रिएक्टेड, I2 के जो मोल्स रिएक्ट हुए ये वो मोल्स हैं, समझे क्या। अब देखिए बात करते हैं ICl3 और ICl के लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर इनके मोल्स की बात करनी है तो वो किसके रेस्पेक्ट से चालू करोगे, LR के रेस्पेक्ट से। तो देखिए ध्यान से, दो मोल Cl2 से ICl का कितना मोल बनता है, एक मोल, दो से कितना बन रहा है, एक, तो एक से कितना बनेगा 1/2, बराबर है, कितना बनेगा, अगर दो से एक बनता है तो एक से कितना बनेगा 1/2। मोल्स कितने हैं क्लोरीन के 0.4, तो 0.4 मोल से इसके कितने मोल बन जाएंगे, 1/2 × 0.4, मतलब 0.2 मोल्स, और इसका भी इतने ही मोल्स बनेंगे क्योंकि इसका भी कोफिशियंट उतना ही है, तो इसके भी कितने बनेंगे ICl3 के 1/2 × 0.4, मतलब 0.2, ठीक है। अब जैसे बाकी लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कई तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, तुमको बोल दूं कि मैं ये गैसेज हैं, मान लो कि ये गैसेज हैं, इनकी टोटल मोल्स बताओ, ठीक है, तो टोटल मोल्स भी तुम बता सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो फाइनली कितने मोल्स हैं। देखो 1.8 मोल प्लस 0.2 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 2.2, इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स थे 2 + 0.4, तो इनिशियली 2.4 मोल्स, बाद में 2.2 मोल्स, चेंज इन मोल्स कितने हैं 0.2, इनिशियल माइनस फाइनल, समझ में आएगा नहीं। मोल्स कम हुए कि ज्यादा हुए, कम हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट कैसे सोल्व करना है, बाकी एग्जामिनर की इच्छा, जो तुमको पूछना चाहे वो पूछ सकता है, मैं बता चुका हूं कि कैसे कैसे इन चीजों को सोल्व करना है। एक्सेस रिएजेंट कौन है, I2, क्योंकि उसके कुछ मोल्स बचे रह गए, कितने मोल्स उसके रिएक्ट करे ये पूछ सकता है, कितने मोल्स बच गए ये पूछ सकता है, इसका मास कितना बचा, मोल्स कितने बचे हैं इसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास आ जाएगा। तो ये सारी चीजें तुम लोग कैलकुलेट करके भेजोगे, ठीक है, तो ये काम तुम्हारा रहेगा। चलिए इसको फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करोगे तुम लोग, सारी चीजें सोल्व करके मेरे को भेजना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na3PO4, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, तुम्हारे पास वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दी है। प्लस NaCl क्या है बेरियम, क्वेश्चन को ये लैंग्वेज की फॉर्म में भी दे सकता है कि बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम फॉस्फेट। ये क्या है, सोडियम फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 को 3- को बोलते हैं। क्या ये क्या है तुम्हारे पास, सोडियम फॉस्फेट। तो क्या करना है, बेरियम के साथ PO4, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, सोडियम का वैलेंसी 1, PO4 का वैलेंसी 3, आपस में एक्सचेंज करो आयंस को और फॉर्मूले बना दो, ठीक है। ये क्वेश्चन में तुमको रिएक्शन दिया हुआ है, इनिशियली इनके कितने कितने मोल्स हमने लिए ये भी दिया हुआ है, 0.5 और 0.2 मोल्स। कितने कितने मोल्स, 0.5 एंड 0.2 मोल्स, मतलब ये जो वैल्यू दिया है वो क्या है, इनिशियल मोल्स, ठीक। चलिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बेरियम इधर में 1, उधर में 3, ये लीजिए 3 लगा दिया। अब PO4 इधर में 2 है, ये लीजिए 2 लगा दिया। अब क्लोरीन को देखिए, 3 2 6, तो यहां पर सोडियम 3 2 6, तो ये लो 6 NaCl। तो पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है, समझे कि नहीं। क्या है बैलेंस रिएक्शन, क्या हो गई, 3 BaCl2 प्लस 2 Na3PO4 कन्वर्टिंग इन टू Ba3PO4 ऑल ट्वाइस प्लस 6 NaCl। अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, सबसे पहला स्टेप हमारा यही था, उसके बाद मोल्स हमारे को ऑलरेडी क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल्स ही दिए हुए हैं, तो क्या करोगे, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेट करोगे। देखो दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, 0.5 अपॉन इसका कोफिशिएंट 3, 0.2 अपॉन 2 ये कितना 0.1, इसका वैल्यू कितना 0. ये आएगा लगभग 1.67, ठीक है। तो तुम्हारे पास बचा कौन, सॉरी कौन सा वैल्यू छोटा है, Na3PO4 के लिए ये वैल्यू छोटी है, हाँ है ना, तो मतलब ये तुम्हारा क्या है LR, तो तुम्हारे पास LR कौन है, Na3PO4। अब अगर ये LR है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो फाइनल मोल्स रिएक्शन के अंदर फाइनली कौन कौन प्रेजेंट होगा, उनके फाइनल मोल्स वो कितने होंगे, सबसे पहले Na3PO4 के तो कितने मोल्स बचेंगे, 0 मोल्स। अब BaCl2 की बात करें तो देखिए ध्यान से, 2 मोल Na3PO4 के साथ इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं, क्या 2 मोल के साथ इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 3/2। किसी को यह नहीं समझ में आता कि 3/2 क्या कैसे किया, तो जिसके लिए निकाल रहे हो ना उसका कॉफिशियंट ऊपर, जिससे निकाल रहे हो उसका कॉफिशियंट नीचे, ठीक है, और फिर जिससे निकाल रहे हो Na3PO4 से, तो तुम्हारे पास उसके मोल्स कितने हैं, 0.2 इंटू 0.2, तो इतने मोल्स BaCl2 के रिएक्ट कर जाएंगे, बराबर है। और इनिशियली मोल्स कितने थे, 0.5। देखो फिर से बोल रहा हूं भाई, इसके 2 मोल के साथ इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं, आया ना, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, इसके 2 मोल के साथ इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल के साथ कितने, 3/2, तो इतने मोल्स के साथ कितना, 0.2, तो तुम्हारे पास ये 0.3 आएगा, देखो, और तुम्हारे पास ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 0. इसको सॉल्व करने पर 0.2 मोल्स, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में देखो, तुम्हारे पास यही चीज पूछ ली जाए
कि बताओ बेरियम Ba3PO4 होल ट्वाइस के मैक्सिमम कितने मोल बन सकते हैं इस रिएक्शन में? क्या बोला मैंने? Ba3PO4 होल ट्वाइस के कितने मैक्सिमम मोल्स बन सकते हैं? Ba3PO4 होल ट्वाइस यहां पर है, इसके मोल्स मैक्सिमम कितने बनेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? LR, समझे कि नहीं? वो डिसाइड कौन करेगा? LR, मतलब LR के एस्पेक्ट में चेक कर लो, ठीक है? तो देखिए, इसके दो मोल से इसका कितना मोल बनता है? एक मोल। तो एक मोल से इसका कितने मोल बनेंगे? 1/2। तो इसके मोल्स कितने हैं? 0.2। तो 0.2 मोल्स से इसके कितने मोल्स बन जाएंगे? ये लो तुम्हारे पास, तो फाइनल कितना? 0.1 मोल्स। NaCl के लिए पूछा जाए तो इसके दो मोल्स हैं, इसके 6 मोल बनते हैं, आया ना? दो मोल Na3PO4 से NaCl के कितने मोल्स बनते हैं? 6 मोल्स। तो एक मोल से 6/2 और 0.2 से इंटू 0.2 मतलब 0.6, ठीक है? तो ये सारी चीजें हो पूछी जा सकती हैं। तुमको पूछ लिया जाएगी, बताओ फाइन चेंज इन मोल्स कितने? क्या चेंज इन मोल्स? तो इनिशियली मोल्स टोटल कितने लिए थे हमने? 0.5 और 0.2। इनिशियली टोटल मोल्स कितने? 0.7। दोनों को ऐड कर दो। फाइनली फाइनल मोल्स किस किस के प्रेजेंट है? BaCl2 के, Ba3PO4 होल ट्वाइस के और NaCl के। टोटल कितने मोल्स? 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.6 मतलब 0.9। इनिशियली मोल्स कितने थे? 0.7, फाइनल 0.9। मोल्स इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए? इंक्रीज हुए। चेंज कितने का है? चेंज निकालने के लिए तुम्हारे पास जो ज्यादा है उसमें से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो चेंज कितना है? 0.9 माइनस 0.7, तो 0.2 मोल्स का चेंज देखने को मिला, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब तुमको क्या करना है, तुम सारी चीजें, क्योंकि ये काम अभी तुम्हारा रहेगा, क्या कि तुमको लिखना है कि कौन एक्सेस रिएजेंट है। ये सारी चीजें तुम लोग अभी शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए लिखना जरूरी है, बाकी देर बाद में जैसे एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद ये सब चीजें तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो अभी तुम लोग क्या करोगे कि तुम्हारे पास BaCl2 जो है, सॉरी ये तो मैंने बता दिया, कौन सा तुम्हारे पास एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है? उसका कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ, कितना अमाउंट उसका बचा, ठीक है? उनके कितने मोल्स हैं, उनके मास, बेरियम का तुम लोग एटॉमिक मास अपने से आइडेंटिफाई करोगे, उसका नंबर ऑफ, सॉरी इसका मास भी तुमको निकालना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास? थर्ड क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली दिया हुआ है, Fe2+O2, उससे क्या बन रहा है? Fe2O3+SO2। क्या बन रहा है? Fe2+O2 से Fe2O3+SO2, उसका मास दिया हुआ है यहां पर हमको क्वेश्चन में, इसका मास दिया है Fe2 का 1.2 kg और इसका मास दिया है 1.6 kg। चलिए तुमको सब कुछ आइडेंटिफाई करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे थे। चलिए कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इनिशियल मास। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इनिशियल मास। मास किस में गिवन है? केजी में। तो हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम के अंदर। तो ये जो तुम्हारे पास मास है वो कितना है? 1.2 kg मतलब 1200 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना है? 1.6 kg मतलब 1600 ग्राम। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, तो हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल्स तो नहीं दिया। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? रिएक्शन को चेक करते हैं, बैलेंस्ड भी है कि नहीं, ये भी तो चेक करें। हाँ, है ना? तो वो चेक कर ही नहीं रहे, रिएक्शन को बैलेंस किए बिना हम लोग अभी तक सॉल्व किए जा रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं। तो हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, पहले रिएक्शन को बैलेंस तो करें। चलिए सबसे पहले
बेटा आयरन उधर में एक, इधर में दो, ये लो इसके आगे लगा दिया टू। सल्फर इधर में टू, टू जा फोर हो गए, इधर में एक है, ये लो। ऑक्सीजन फोर टू जा एट प्लस थ्री कितना इलेवन, मतलब यहां पर इलेवन करने के लिए इलेवन बाय टू। ठीक है, कोई बोलेगा सर टू से मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये लीजिए टू से मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा फोर हो जाएगा, ये तुम्हारा टू हो जाएगा और ये तुम्हारा एट हो जाएगा। ठीक है, मैंने रिएक्शन को जो फ्रैक्शन वैल्यू था उसको हटा दिया क्योंकि फ्रैक्शंस मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, FeS2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो FeS2 के लिए मॉलिक्यूलर वेट वो कितना होगा, आयरन का कितना 56 प्लस 2 इंटू 32, सल्फर का कितना होता है 32, तो 64 प्लस 56 कितना हो जाएगा 56 प्लस 64, तो तुम्हारे पास 60 60 120, 120 ग्राम, कितना 120 ग्राम। मैंने सोच समझ के वैल्यूज ली है, जितने भी क्वेश्चन में डेटा लिया है मैंने सोच समझ के लिया, ऐसे ही नहीं लिया है, मेरे को पता था पहले से ही। चलिए, तो मेरे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 120 ग्राम। SO2 O2 का निकालोगे तो वो कितना है, O2 का 32। चलिए तो सबसे पहले काम करते हैं इनिशियल मोल्स निकालते हैं। पहला काम क्या होगा, इनिशियल मोल्स कैलकुलेट करना। मोल्स कैसे निकालेंगे, इसका मास गिवन है 1200 ग्राम और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया 120, मतलब मोल्स कितने आ गए इसके 10 मोल्स। FeS2 के कितने मोल्स, 10 मोल्स। अब ऑक्सीजन के लिए बात करें, उसका मास 1600 ग्राम गिवन है, O2 का मॉलिक्यूलर मास 32, मतलब ये कितना आ जाएगा 100 बाय 2, मतलब 50 मोल्स। इसके कितने मोल्स, 50 मोल्स। अब उसके बाद क्या करें, मोल्स तो इसके मेरे को ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा मोल्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ये सोच करके नहीं चलना है। क्या करोगे, एलआर निकालोगे। एलआर कैसे निकालोगे, मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो ये तुम्हारे पास मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकाला, इसके मोल्स कितने 10, उसका कोफिशिएंट कितना है FeS2 का 4, 10 बाय 4 मतलब 5 बाय 2 2.5, ये रेशियो कितना आया 2.5। तुम्हारे पास इसके लिए बात करें तो 50 अपॉन 11 तो ये कितना आएगा, देखो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, 11 4 जा 44 होता है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब वैल्यू छोटी कौन सी है, 2.5 छोटा है ना। इसका मतलब पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको समझ में आता है कि हाँ दिख गया कि भैया वैल्यू छोटी है, क्यों सॉल्व करना, क्योंकि हमारा स्टेप तो ये स्टेप केवल किस लिए काम में आ रहा है, सिंपल एलआर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में आता है कि भाई ये वैल्यू छोटी है, मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो वो तुम्हारा एलआर है, इसका मतलब क्या है, ये एलआर है, अगर एलआर है इसका मतलब वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो फाइनल अगर मोल्स की बात करें तो वो कितने होंगे, एलआर के मोल्स 0। अब इसके 4 मोल के साथ इसके कितने मोल रिएक्ट करते हैं, 11 मोल्स। 4 मोल के साथ कितने मोल्स रिएक्ट करते हैं, 11। एक मोल के साथ कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 11 बाय 4। मोल्स कितने हैं, 10। इतने मोल्स रिएक्ट कर गए, मैं बोल रहा हूं फाइनल मोल्स, फाइनल मोल्स मतलब जो बच गए। तो तुम्हारे पास इनिशियली मोल्स कितने थे, 50, उसमें से कितने रिएक्ट कर गए, इतने, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फाइनल मोल्स आ गए। तो ये कितना आएगा 2.5, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22, और तो इसको वैल्यू को सॉल्व करोगे तुम लोग। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए इसको सॉल्व तो कर लोगे ना, 110 बटा 4 मतलब 55 बाय 2, 55 बाय 2 कितना होता है 27.5,
तो 50 माइनस 27.5, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 50 में से 27.5 गए तो 22.5, ये आएगा 22.5। ये क्या है? फाइनल मोल्स किसके? O2 के जो बच गए। ये क्या है? ये O2 के वो मोल्स हैं जो FeH2 के साथ रिएक्ट कर गए। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसके चार मोल के साथ, इसके चार मोल से दो मोल Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है। क्या? उसके चार मोल से, क्योंकि मैं सब कुछ LR के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, उसके चार मोल से इसके दो मोल का फॉर्मेशन होता है, तो एक मोल से कितने मोल का फॉर्मेशन होगा? 2/4 यूनिटरी मेथड। और उसके मोल्स कितने हैं? 10 मोल्स इनटू, तो 10 मोल से कितने मोल बनेंगे? इतने मोल, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1/5। ठीक है, बात करते हैं SO2 के लिए। इसके चार मोल्स हैं, इसके कितने मोल बनते हैं? 8 मोल। तो एक मोल से कितना बनेगा? 8/4 बराबर है कि नहीं? चार मोल से अगर 8 मोल बनते हैं, 8 मोल्स बनते हैं, तो एक मोल से कितने बनेंगे? 8/4। उसके मोल्स कितने हैं? 10। तो 10 मोल से कितने बनेंगे? ये आ गया तुम्हारे पास 20। ठीक है, फाइनल मोल सबके निकाल चुके हैं, इनका मास निकालना चाहो तो मास भी निकाल सकते हो। Fe2O3 क्या होता है? ये सॉलिड है, ये क्या है? गैस है। ये भी क्या है? गैसियस है। और ये भी क्या है? सॉलिड है। तुमको पूछा जाए STP के ऊपर बताओ टोटल वॉल्यूम कितना है, निकाल सकते हैं, क्या करोगे? निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप LR के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थिंक हम लोगों ने सफिशियंट क्वेश्चंस ले लिए। अब बेटा इसके बाद हम लोग आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, आई होप कि सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना LR के क्वेश्चंस का, क्योंकि LR जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके प्रैक्टिस अच्छे से हम लोग ले चुके हैं। एक एक चीज मैंने सोल्व करके दिखाई है कि कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, किसको हम लोग हर एक बार, मैंने हर क्वेश्चन के अंदर एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है, और अपने से सोल्व करने की कोशिश करना।